बैंक का भी क्या है, देखिए उनको भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, एक तो उनको हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग देते हैं, दूसरा फिर मैंने कहा ना कंप्लेन इसी के लिए है ना, कंप्लेन को इतना स्ट्रेंथन किया गया है, टू लेवल्स ऑफ कंप्लेन है। आप पहले बैंक में जा कीजिए, नहीं हो तो आरबीआई में कीजिए, आरबीआई ने भी उसको इंटीग्रेटेड कर दिया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको कंप्लेन करना है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत, अभी हूं आरबीआई पटना में और यहां पर क्षेत्रीय निदेशक यहां के तमाम बातें कर रहे थे। डिजिटल चुने मगर सुरक्षित तरीके से किस प्रकार से क्या कुछ करना है, कोई कोड मांगे तो कैसे क्या कुछ करना है, वहाँ पर बताना है या नहीं बताना है, और साथ ही जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उन तमाम बातों को लेकर कई बातें किए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें सुनेंगे इस वीडियो में। कारगनों का स्वागत है। हमारे हमारे साथ सर्वप्रथम हमारे हमारे सीनियर और हमारे क्षेत्रीय निदेशक श्री संजीव दयाल सर हम सभी के बीच समक्ष बीच उपस्थित हैं। आप सभी पत्रकारगण जो कि डिफरेंट हाउसेस से आए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, आज, पिंडार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जी न्यूज़ बिहार झारखंड, ब्रेकिंग बिहार, झकास भारत, रबजी लाइव, तो आप सबों का पुनः स्वागत। थोड़ी देर से असुविधा हुई उसके लिए शुरुआत में ही मैं आप लोगों का आई रिग्रेट कि आप लोगों को कुछ थोड़ी सी असुविधा हुई है, देरी भी हुई है, तो उन सबों के लिए आई एक्सप्रेस माई सिंसियर रिग्रेट। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, आवर आरडी सर संजीव दयाल सर ने लास्ट ईयर हमारा ये क्षेत्रीय निदेशक का रोल यहाँ लिया है और उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सप्ताह, प्रथम फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इस रीजन के लिए सर की अध्यक्षता में आज सुबह स्टार्ट हुआ है, तो इससे इस संबंध में हमने आप सबको अपना विनम्र मैसेज भेजा और आप लोगों को स्वागत भेजा था कि आप लोग यहाँ आए, और चूंकि आप वो अंग हैं जिसके द्वारा ये हम अपने स्टेट की लास्ट कड़ी तक पहुँच सकते हैं, तो हमने आप सबसे सबका से अनुरोध किया कि आप यहाँ आएँ, और मुझे बहुत खुशी है कि ऑलमोस्ट सारे मीडिया हाउसेस से लोग आ गए हैं। तो सर सबसे पहले टू स्टार्ट विथ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के शुरुआत आज सुबह शुरुआत हुई थी और अब मैं अपने क्षेत्रीय निदेशक सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने चंद शब्दों के साथ, आशीर्वचन के साथ इसको इस मीटिंग के शुभारंभ में कुछ शब्द कहें। सर ये उधर रख दो, चाहे बाद में, नहीं उधर रख दो ना, बाद में। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। प्रेस से आए हमारे बंधु, पर्टिकुलरली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले हमारे हमारे साथी ने बताया, भारतीय रिजर्व बैंक ये करंट वीक जो है ना 14 से 18 फरवरी में फिनेंशियल लिटरेसी वीक जो चला रहा है, ये बेसिकली आरबीआई का इनिशिएटिव है अवेयरनेस, फिनेंशियल एडुकेशन का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक हम फोकस प्रोग्राम पूरे कंट्री में साल में एक वीक के लिए चलाते हैं। और ये आरबीआई सन 2016 से 16 से हर साल में एक वीक चला रहा है और इस साल के इस कार्यक्रम का जो हमारा थीम है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर, वो बेसिकली डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हम ये थीम चला रहे हैं। और ये जो हमारा थीम है, ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एडुकेशन जो 2020 और 25 के अवधि के लिए है, उसका ये कोर ऑब्जेक्टिव भी है। और मुख्य रूप से ये जो थीम है हमारा गो डिजिटल गो सिक्योर, इस पर हम फोकस तीन चीज़ पे कर रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं कि ये कन्वीनियंट है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सरल, सहज, कन्वीनियंट है। दूसरा कि ये सिक्योर भी है और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने प्रोटेक्शन
का भी स्कीम बनाया है, उसके लिए क्या है, अगर कुछ ऐसा उनके साथ फ्रॉड हो जाता, क्राइम हो जाता है, तो उनके ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए बैंक की मशीनरी, एक तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर, और अगर वहाँ उनके मन लायक अगर उनका निदान नहीं होता है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी रिजर्व बैंक में वो लोकपाल स्कीम के अंतर्गत है। और ये कार्यक्रम हम एक वीक सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके चलाते हैं, और इसमें हमारा जो कंटेंट है वो प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, ऑडियो विजुअल और आजकल जितने डिजिटल डिस्प्ले हैं ना, उसके थ्रू हम करते हैं। और आज से बिहार राज्य के जितना ज़िला हैं, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स के जो LDMs हैं वो लोग वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, जो जितने FLCs हैं, जितने RCTs हैं, और अब कोरोना में थोड़ा सा नॉर्मलसी आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते एक दो दिन हमारे भी अधिकारी कम से कम एक दो ज़िले में जाके ये जो संदेश है ना, उसका उसको स्प्रेड और उसके जागरूकता करेंगे। अभी नाउ विल ओपन द हाउस, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो इस एफएल वीक से रिलेटेड तो आप क्षेत्र निदेशक महोदय के दो पुस्तिका का विमोचन चाह रहा था, एक शिक्षकों के लिए एफएल पुस्तिका है और एक साइबर सुरक्षा और सच्ची डिजिटल बैंकिंग को लेकर। ये सर सबसे तो अहम इसमें लोगों का जो डर है, जो कहा जाता है डिजिटल बैंकिंग का, वही सुरक्षा को लेकर, इसके लिए सर क्या कोई आप लोगों के पास कार्य योजना है कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करें, कम करें, क्योंकि ये दिनों दिन मामले बढ़ रहे हैं। नहीं, हाँ, इसमें पहला तो ये है, इसमें दो राय नहीं है कि इसका प्रयोग जो है ना, यूज़ डिजिटल ट्रांजैक्शन पब्लिक से बहुत बढ़ रहा है। अगर हम पिछले सितंबर 2020 से सितंबर 2021 का अगर आंकड़ा ले तो लगभग 30-40% वृद्धि हुई है, तो यूसेज बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है। बहुत कन्वीनियंट इन द सेंस है कि आप आप अपने मतलब एनी टाइम एनी वेयर कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि समय की बाध्यता नहीं है, मतलब 365 दिन 24/7 ये सुविधा दिया गया है और इजी है। और आपने जो उठाया ठीक है, इसमें ये है कि थोड़ा सा तो अगर हमको ये फैसिलिटी मिला है तो यूज़र के ऊपर थोड़ी जिम्मेवारी भी है। जिम्मेवारी ये है कि हमको थोड़ा सतर्क रहना है, सतर्क ये रहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, नॉर्मल फिजिकल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास चेकबुक होना चाहिए था, आपका सिग्नेचर होना चाहिए था ना, वो एक फिजिकल फॉर्म में होता था। डिजिटल में क्या है, आपका भी आइडेंटिटी है, हर यूज़र का आइडेंटिटी है, बट वो डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है। और जैसे आपका मतलब आपका अकाउंट नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर है, फिर आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक OTP है, जब आप ATM यूज़ करते हैं तो पिन है, पासवर्ड है। तो ये सब को क्या है, डिजिटल में क्या है, डिजिटल में है ना कि उसके लिए यही सब है ना, ये सब अगर जो फीड कर देगा करेक्ट है तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इसको हमको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि अगर कोई आजकल जो है ना आपको फ़ोन करता है, आपसे पूछता है ना, वो उसमें भी तरह तरह के, कभी बोलता है आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, कभी कोई स्कीम सुनने में आया कि आपको लॉटरी मिला है, आप हमको अपना ATM नंबर बताइए, अकाउंट नंबर बताइए। तो हम प्रेस के अपने मित्रों से के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें हमको सतर्क रहना है, और कभी भी ये सब जानकारी, ये किसी भी यूज़र का ये लगभग एज गुड एज पर्सनल डिटेल है, हमको किसी को भी विशेष करके अनजान अज्ञात लोगों को नहीं शेयर करना है। अगर इतनी सावधानी हम रखें तो बहुत हद तक बच सकते हैं। और दूसरा
दूसरे फिर अगर ये है तो ग्रीवांश अगर ये हो जाता है तो उसका कैसे रिड्रेसल हो, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ है, एक ओम्बुड्समैन स्कीम है। दूसरा इसमें फिर मैं ये सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो इमीजिएटली एक तो उनको जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है FIR करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने बैंक जाके ना अपने अकाउंट को, अपने ATM को ब्लॉक करा देना चाहिए, जिससे आगे आगे और उस पर कोई अनऑथोराइज्ड फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो। सर आजकल तो सर बिना कहे सुने फोन पिन मांगे हो जा रहा है, सर कोई मैसेज आता है होता है कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो। हाँ, मैं अभी आ रहा था ना, पहला। दूसरा फिर वही है कि आपसे हम फिर रिक्वेस्ट करें, आपने जो कहा ना कोई भी इस टाइप का जो ऐप हो, है ना, ऐप हो, जो साइट हो, जो आप कभी यूज़ नहीं किए हैं, तो आप वो सब को डाउनलोड नहीं करें, डाउनलोड नहीं करें। बैंक वाला, कोई भी बैंक ऐसे बात नहीं करेगा, बैंक आपसे फ़ोन पे नहीं मांगेगा, ऐसा साइट नहीं कहेगा। आप उसको एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लें। आइडियल तो है कि उस साइट पे हमको नहीं जाना चाहिए, ऐप पे डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इतना अगर हम गांठ बांध लें ना और हम सतर्कता रहे तो बहुत हद तक हम, और जय आपने कहा हम उसके बावजूद भी अगर हो जाता है तो अभी ऐसे हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे सर्कुलर्स हैं कि इसमें अगर आप जितना जल्द से जल्द, अगर आप तीन दिन के अंदर अगर आप अपने बैंक को सूचित कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका लॉस ज़ीरो भी हो। बैंक उसको एग्जामिन करेगा, ये करेगा, ऐसे हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस केस में आपका लायबिलिटी निल भी हो सकता है। नहीं सर, कोई टाइम फ्रेम बैंक को डायरेक्शन में दिया गया? हाँ कि हाँ इतना हाँ बिल्कुल, बैंकों को RBI के निर्देश हैं, हर बैंक को एक बैंक अप्रूव्ड पॉलिसी बनाना है। अभी ये ऑपरेशनल मैटर्स है, RBI जो है ना एक जनरल इंस्ट्रक्शंस दे देता है, तो हर बैंक का बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है, बट मोटा मोटी ये है कि अगर आप 3 दिन के अंदर कर देते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कोई मुझे लिंक भेजा, लिंक को मैंने क्लिक डाउनलोड कर लिया और मेरे अकाउंट से 1,00,000 रुपया चला गया। मैं उस मतलब 2 घंटे 4 घंटे या 3 दिन के अंदर में मैंने बैंक को कंप्लेन कर दिया, क्या मेरे पैसे वापस आ सकते हैं? संभावना है और काफ़ी इंसिडेंट में ऐसे कंप्लेंट्स में पैसा वापस हुआ है। सर कई ऐप हैं जो डाउनलोड करने के बाद मनी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मतलब कोई कौन कौन ऐप के जरिए या कौन कौन नहीं, तो इसका थोड़ा ब्यौरा रहता है? नहीं देखिए, ये सब पे तो करते ही हैं लोग। नहीं ऐसा है ना, अभी ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि कोई भी ऐप बना लेता है। अभी ये इस तरह से इतना अभी आइडेंटिफाई नहीं है, है ना, ये है। तो बेसिक जो मैंने कहा ना, देखिए आपको थोड़ा संभल के और सतर्क रहना है। कोई ऐप आपके पास अचानक आ गया, आप एक बात समझ लीजिए, कोई चीज़ फ्री नहीं होता है। या फिर हमको लॉटरी मिला, ये से मिला, ठीक है ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर वैसा है भी तो बहुत इमीडिएटली आप उत्साहित ना हो जाएं, जो इतनी घटनाएं हो रही हैं। सो बस हम यही आग्रह करेंगे, उत्साहित नहीं होना है, उसको चेक करना है। और ऐप में मैं एक एनालॉजी दूंगा, हम अपना सामान लॉक करके रखते हैं और हम ताला का चाबी अगर हम दूसरे को दे देंगे, वही स्थिति है। सर डिजिटल बिहार में कितना ग्रोथ है सर डिजिटल इसका ट्रांजेक्शन का, बिहार की कंसेंट? ये हमको चेक करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे तो 40% था, ये हम लोग चेक करके। अच्छा सर, दूसरा एक और सवाल मेरा है सर, क्या 2000 के नोट्स जो हैं वो ये सर्कुलेशन से बाहर हो गया है? अभी हम लोग ये FLW पे कर रहे हैं, ये हमारी क्वेश्चन हाँ, जो थीम, हाँ, थीम पे ये अभी उस थीम पे हम लोग कर रहे हैं, तो अगर उस पे अगर करेंगे तो ये ना, अभी हम फिनेंशियल लिटरेसी जागरूकता का कर रहे हैं, वो 2000 के करेंसी नोट के बारे में को, कैश और दूसरा फिर क्या है, ये हम डिजिटाइजेशन जहां लेस कैश की ओर हम बात कर रहे हैं, तो कैश का फिर हम लोग देखेंगे। हाँ नहीं, वो आज भी लीगल टेंडर है, सर्कुलेशन में है।
आपके सवाल का जवाब है आज भी एटीएम में मिलता है, बैंक से मिलता है। सर मेरा एक सवाल है, हाँ, कि पिछले एक सालों में ये साइबर अपराध से जुड़े कितने मामले लोकपाल के पास आए और कितने का निष्पादन हुआ? अच्छा, लोकपाल हमारा आरबीआई का स्कीम है, लेकिन वो एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। सो लोकपाल का डेटा दूसरा ये है कि ये जितना आता है हम आजकल अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड कर देते हैं। सो एज ऑन 31 मार्च पूरे साल भर में कितने कंप्लेन आए, कितने को हैंडल किया गया, कितने का ये किया गया, आप एक डेढ़ महीना इंतज़ार करें तो आजकल। जो आपने कहा कि वेबसाइट पर है, तो लोकपाल का जो वेबसाइट है उस पर 16-17 तक ही डेटा है, तो ये हम लोग को ये वो एनुअल दूसरा ये है एनुअल रिपोर्ट लोकपाल के जो उनका जो ये है वर्किंग साइट है उस पर वो तो 16-17 ही दिखा नहीं, हम हर साल वो आप पता नहीं हम लोग बता देंगे साइट पे कहाँ है। हर साल एनुअल रिपोर्ट आता है लोकपाल के वर्किंग पे, जैसे एक आरबीआई का भी एनुअल रिपोर्ट आता है, पहले वो अगस्त में रिलीज होता था, अब हमारा जो फिनेंशियल ईयर ना बीआर एक्ट में आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया है, जो अब हम लोग सारे अकाउंटिंग ईयर को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च, तब हमारा एनुअल रिपोर्ट बी एज ऑन 31 मार्च, तो एनुअल रिपोर्ट एक आरबीआई का आता है और बैंकिंग लोकपाल स्कीम का अलग एनुअल रिपोर्ट आता है, हमारे वेबसाइट पे रहता है। जुड़ा हुआ है ये ना, मैं बताता हूँ ऑफ द रिपोर्ट। ये देखिए जनवरी मार्च 31 2031 तक की पोजीशन जनवरी 2022 में जो है डाली गई है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं आपके साथ वो रिपोर्ट कॉपी शेयर कर दूंगा। मेरे पास मार्च 2022 ये देखिए जुलाई 1 2020 से लेकर मार्च 31 2021 तक रिपोर्ट जो है आप हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। हाँ, पिले, पिले, जो हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है वो आपको जब बाकी चीजें देगी तो ये रिपोर्ट भी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर करेगी। और उसमें मुझे लगता है आपको रीजन वाइज भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे क्या है और बिहार में क्या है मिल जाएगा, और करंट ईयर के लिए थोड़ा प्रतीक्षा हमको करना पड़ेगा। शिक्षक के माध्यम से क्या आप इसको बच्चों तक ले जाना चाह रहे हैं? हाँ, प्रयास ऐसा ही है कि ये जो फिनेंशियल लिटरेसी है, फिनेंशियल लिटरेसी को मतलब CBSE के भी जो 10th तक 8 से 10 का जो पाठ्यक्रम है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। इसके पीछे जो मेन जो उद्देश्य ये है कि वो जो स्कूल के बच्चे हैं ना, वो मतलब फ्यूचर सिटीजन है देश के और वो आगे चल के बैंकिंग प्रोडक्ट के कंज्यूमर होंगे, तो ये अभी तक का जो अनुभव रहा उसे ये क्या है कि क्यों ना हम जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तभी से उनको हम इसके लिए भी बेसिक उनको शिक्षा अवेयरनेस करें, इसी के लिए ये जो हमारा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एडुकेशन है। तो सर CBSE को आपने शामिल किया तो बिहार बोर्ड को क्यों नहीं शामिल किया? ये अभी तो मैं बता रहा हूँ, 2-3 राज्य में वो CBSE में इम्प्लीमेंट हो गया, 2-3 स्टेट्स हैं जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको इंक्लूड कर दिया, उसी पहल में ये प्रयास है। बिहार में कब से लागू हो गई? ये हमने डाला है और अभी वो लोग काम कर रहे हैं, अब ये अपडेट कर दो। मैं बता देता हूँ, सर रिस्पॉन्स कर लेते हैं इस क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा प्रयास है कि रिजर्व बैंक का, और अभी NCFE बन गया, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, NCFE। हाँ, उसमें क्या हुआ है कि कई राज्यों ने जो पाठ्य पुस्तिका बनाई गई है वित्तीय साक्षरता के लिए, कई राज्यों ने, CBSE ने तो उसको लिया ही है, कई राज्यों ने अपने स्टेट बोर्ड में अडॉप्ट कर लिया है। बिहार राज्य की में हम उनसे सतत चर्चा में है, कंटिन्यूस चर्चा में है। 6 तक की जो 6th, 7th, 8th की जो बिहार राज्य की सिलेबस है उसमें ऑलरेडी वित्तीय साक्षरता की जो पुस्तिका RBI ने रिलीज की है वो 6 से 10वीं क्लास के लिए है, उसको बिहार में 6 से 8वीं में इंक्लूड कर लिया गया है। 9वीं 10वीं के लिए, चूँकि 9वीं 10वीं में बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और पब्लिशिंग का इशू, ये पब्लिशिंग का कंसर्न रहता है, तो उसमें अभी SLBC में चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पर चर्चा की है, हमारे सेंट्रल ऑफिस ने स्पेशल SLBC की थी फाइनेंशियल एजुकेशन पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, उसमें भी इस बात पे चर्चा हुई, और अभी कुछ दिनों में हम आशावान हैं उनकी बिहार सरकार की तरफ से भी और हमारी जो चेष्टा है, हम लोग आशावान हैं
कि कुछ ही दिनों में नवमी दसवीं के भी पाठ्यक्रम में इसका इंक्लूजन कर लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक सर, इसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है, जो कई बार पहले भी हम लोग RBI में पूछते रहे हैं, कि बच्चों का अकाउंट खोलने में काफ़ी परेशानी होती है। ब्रांच जल्दी, पहले तो अकाउंट ही नहीं खोलना चाहते थे, अब बच्चों के लिए तो खास करके जो पेरेंट्स अगर जा भी रहे हैं, कि जबकि उनका खोलना जरूर मैंने खोला जा सकता है, RBI का स्पष्ट निर्देश है कि बच्चे भी अकाउंट धारक हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई आप लोग कोई अलग से प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से कि बच्चे अकाउंट होल्डिंग हो, चूँकि बच्चों का MDM का पैसा, पोशाक का पैसा सब जा रहा है, सब जाता है उन्हीं के खाते में। नहीं, इस पे बस अधिक बैंक ओपन करें, इस पे बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इंस्ट्रक्शन आज भी है, खुल भी रहे हैं, हर रिव्यू मीटिंग में इसको रिट्रेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोगों का अपना तजुर्बा है कि नहीं खुलता है, तो हम आपके माध्यम से फिर यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आप लोगों ने लोकपाल शिकायत के बात किया, तो जन जन में ये फैलाना है कि अधिकार है, जो बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर, उनका अधिकार है हाँ, ये अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको कंप्लेन करना। बैंक का रिस्पांस ठीक नहीं होता है उनके कर्मचारियों का, जब अपना कुछ जैसे डिजिटल रूप से लेन देन का बात किए, अगर किन्हीं के साथ चीट होता है तो उन्हें मतलब बेहतर ढंग से कम्युनिकेट करना चाहिए, पर वहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी ये सब नहीं होते ही या नहीं। बैंक का भी क्या है, देखिए उनको भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, एक तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, दूसरा फिर मैंने कहा ना कंप्लेन इसी के लिए है ना, कंप्लेन को इतना स्ट्रेंथन किया गया है, 2 levels ऑफ कंप्लेन है, आप पहले बैंक में जा कीजिए, नहीं हो तो RBI में कीजिए, RBI ने भी उसको इंटीग्रेटेड कर दिया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको कंप्लेन करना है, और कंप्लेन करने का सिस्टम को इतना सिंपल बना दिया गया है, अभी हमारा साइट है, आप मेल के थ्रू कर सकते हैं, पत्र के थ्रू कर सकते हैं, ये आपका एक कस्टमर का राइट है, कंज्यूमर का राइट है, ये है ना, उस जो हुआ उसको स्पष्ट क्लियर जो फैक्ट है उसको लिख के आप एस्केलेट कीजिए, ज़रूर उसका निदान होगा, हो सकता है समय लगे, और एक बार जागरूकता बढ़ेगा ये होगा ना, तो उसको उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। हाँ बिल्कुल, ताकि लोग साइट को जाने, कॉल टोल फ्री नंबर अगर कोई है ऐसा, हाँ बिल्कुल, उसको लोग जाने, साइबर मामले का कंप्लेन अगर RBI में करना हो तो भी लोकपाल में करना होगा, ईमेल लोकपाल। और अब ऐसा है कि अभी पिछले नवंबर से हमने क्या किया ना, इंटेग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च हो गया है, और प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था, तो अभी यह है कि अब आपको अपना कंप्लेन उस पर कर देना है, लॉन्च कर देना है, फिर सिस्टम विल टेक केयर ना, तो इसकी जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, उसी के डर से लोग थोड़ा सा, और ये जो कंटेंट बना रहे हैं टीचर्स को कर रहे हैं, बट मीडिया का जो रीच है ना, तो ये इसी के लिए ये है ना, आपका जो प्रसार प्रसार का जो आपके तो पास पावर है, बीच बीच में सर इसी तरह हम लोग को बुला लिया कि सर एक और चीज है कि हम लोग अगर मान लीजिए मतलब बैंकिंग सेक्टर को हम लोग देखते हैं, फाइनेंशियली देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कभी हम लोग को जरूरत पड़ती है कि RBI से कुछ सवाल पूछे या कुछ चीज की जानकारी ले, नहीं इसमें हम बस ये बताना चाहें, थोड़ा हमको अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बदलना पड़ेगा, RBI तो पैन इंडिया ऑपरेट करता है, और हमारे गवर्नर तो इतना फ्रीक्वेंटली मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, नहीं सर, वो और हमारा जो कम्युनिकेशन पॉलिसी है, और रिजर्व बैंक का क्या है ना, रिजर्व बैंक का कोई भी एक नीति है, कोई भी पॉलिसी है, वो पैन इंडिया है, हम तो आप ये समझ लीजिए हमारा भी एक कम्युनिकेशन पॉलिसी, एंड जहाँ के गवर्नर हर 2 महीने पे तो ऐसे ही मीडिया में वो इंटरेक्ट करते हैं, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू है, उसके बावजूद आपने देखा होगा पिछले 2 साल में जब कुछ ऐसा इशू होता है तो हमारे डिप्टी गवर्नर या हमारे डिप्टी गवर्नर मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ, तो सही है सर, हम लोग को मतलब सेंट्रली जो आपके पॉलिसीज हैं उसके जानकारी मिल जाते हैं, अगर बिहार स्पेसिफिक कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ से मुझे नहीं मिलती है, और हम लोग का खुद का बॉस बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ इंटरेक्ट करो कुछ जानकारी मिल सके, जैसे अभी सर वही आया कि लोकपाल के पास कितने ऐसे मामले आए,
अब तक तो ये तो जानकारी नहीं थी, अभी पता चल गया, हम वो लिंक कर देंगे। वो छोटी छोटी वो मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप ये लिंक दे दो एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में वो रीजन वाइज भी रहता है और कंट्री वाइज भी रहता है और कंपैरेटिव फिगर भी रहता है। ये हमारा एक नीति है, ये आपका भी सुझाव अच्छा है, हम लोग फीडबैक दे देंगे अपने टॉप मैनेजमेंट को। नेशनली कवर करने के लिए हम लोग के नेशनल ब्यूरो दिल्ली में है, हम लोग तो स्टेट को कवर करते हैं, तो वी नीड द स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नहीं नहीं ठीक है, मतलब आई अप्रिशिएट योर कंसर्न योर सेंसिटिविटी, मतलब ये फीडबैक दिस फीडबैक वी विल कन्वे टू आर टॉप मैनेजमेंट कि हम टूडे ऑल्सो आई एम इंटरैक्टिंग इज पार्ट ऑफ अ पॉलिसी ओनली, सो वी विल गिव दैट फीडबैक, वी विल गिव दैट फीडबैक, दे हैव टू एग्जामिन। सर मेरे साथ करवा अनुभव हुआ है कि रहते हैं और बोलते हैं मेल पे दीजिए, मेल पर देने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो क्या किया जाए ऐसे में? नहीं कोई पी आर ओ वो उससे मतलब नहीं है, आप जब आए उसके बाद मिलने का हमने प्रयास किया। वर्मा साहब से बात करने दीजिए, हाँ आपसे मिलने तक नहीं दिया जाता है, ना टेलीफोनिक मिलने दिया जाता है, बात कराया जाता है, आपके पीएस को फोन लगाया जाता है तो वो बोलेंगे कि नहीं बात होगी। दो बातें हैं, एक तो ये है कि कोरोना था, अभी आप थोड़ी सी है, मतलब जब से हम आए हैं ना, एक तो ये है कि मैं खुद कोरोना में मैं भी हो गया था, मैं भी हॉस्पिटल में था, तो उसके कारण मेरा यहाँ जॉइनिंग भी डिले हो गया, तो वो था तो उसके कारण, और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स थे, वर्चुअल करते थे, अभी खुला है तब हम लोग ये कर रहे हैं। हाँ से मांगा गया क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहते हैं, उसके बाद भी जवाब नहीं मिला। सर जरूर हम इस चीज को आगे, मैं जरूर इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे कि अगर कुछ क्वेरीज है जिनका आंसर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली उन चीजों का आंसर जो है क्विक तरीके से किया जाए, हम लोग को यही चाहिए। जो जैसा आप मान ही रहे हैं कि अभी जो कांटेक्ट पॉइंट बने हैं, लेकिन चलिए ये है, अगर बदलाव आपको पॉजिटिव लग रहा है तो हम लोग के लिए भी अच्छी बात है, पास्ट को हम लोग छोड़ दें, फीडबैक सर कोई नेगेटिव नहीं है, आरबीआई पार्ट एंड पार्सल है, मतलब कहीं कहीं अवेयरनेस के पार्टी को हम लोग आगे। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आरबीआई का क्या है, हम पावर है मेरे पास है, हम देखिए पारदर्शिता हम लोग की इतनी अधिक है कि आप देखिए गवर्नर की भी जो मीटिंग होती है उसकी मिनट्स वगैरह सारे वेबसाइट पे बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी अवेलेबल हो जाए। एक मिनट, और जो अभी बात हुई जो आपको डेटा चाहिए था वो हम लोग डेटा इसमें प्रस्तुत नहीं किए क्योंकि हमें पता है कि वो ऑलरेडी वेबसाइट पे है, तो फिर आप बोलेंगे ये तो वेबसाइट में है, तो ऐसा हमारा अभी रिजर्व बैंक का मानना है कि हमारी पारदर्शिता इतनी अच्छी है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इतना अच्छा है कि शायद इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत ना पड़े। लेकिन जैसा कि सर ने बोला है, और दूसरा पिछले दो साल से तो कोरोना का ऐसा था कि आप हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन भेजे हो उस समय जो आदमी डील कर रहा हो वो या उसकी टीम मेंबर के लोग ही है। हाँ, श्योर। तो जैसा जो सर ने बोला कि आप पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं, डिस्कशंस देख रहे हैं, तो जरूर। और तीसरा की जो फीडबैक की बात है कि लोकल लेवल पे क्या होना चाहिए वो हम लोग जरूर सर कर, हाँ जरूर दें। हमारे देखिए पटना क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में जो सूचना होगा है ना वो हम देंगे। आपकी बातों का असर दूर तक होता है, अगर आप कोई बैंक में बट उसपे क्या है ना, थोड़ा हमको अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बदलना है, जहाँ पे आरबीआई के गवर्नर खुद मीडिया से इंटरैक्ट करते हैं और हर दो महीने पे एज पर स्टेट्यूट और उसके अलावा भी उनका इंटरैक्शन होता है, मेरे ख्याल जैसे आज भी उनका मीडिया से इंटरैक्शन हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना आरबीआई के बोर्ड से इंटरैक्ट कर रही हैं, शायद हो भी गया होगा वो बजट के ऊपर। फिर अब जब फिनेंस मिनिस्टर का मीडिया से इंटरेक्शन होगा तो वहाँ आरबीआई के गवर्नर के बातों को कौन सुनेगा, तो हमारा ऐसा कम्युनिकेशन, हमारा ऐसा कम्युनिकेशन पॉलिसी है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा भी रूल्स प्रोसीडियर है, अगर हमारे अधिकार के क्षेत्र में तो अवश्य करेंगे, क्योंकि आज का मुख्य मुद्दा तो डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल से कहेंगे, और 2000 का भी बता दिया वो लीगल टेंडर है, सर्कुलेशन में है, और अब आप ये देख लीजिए, अभी अगले साल से हम ये लगा रहे हैं ना डिजिटल करेंसी आ रहा है, तो हो सकता है 10 साल में शायद कोई पेपर नोट ही ना हो, तो
ये प्लानिंग है, हो सकता है ये प्लानिंग हो उसके लिए किया गया हो ना।